नमस्कार मेरे भारतीय परिवारों, मेरा नाम कोहे है और मैं टोक्यो जापान से हूँ। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत कहता हूँ। मैं हिंदी सीखता हूँ क्योंकि मुझे हिंदी भाषा बहुत पसंद है। आज मैं इस वीडियो में आप सबको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे देश जापान में कैसी ट्रेन चलती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आरंभ करते हैं। ये टोक्यो स्टेशन का नजारा है। बाहर से देखा ये जापान के सबसे बड़े स्टेशन में से एक है। इसमें 22 प्लेटफॉर्म्स हैं। बहुत सारे लोग इस स्टेशन का प्रयोग हर रोज करते हैं। और इससे भी ज्यादा बड़ा स्टेशन है शिंजुकु स्टेशन। ये भी टोक्यो का एक स्टेशन है। इसमें हर रोज तकरीबन 3.5 मिलियन लोग आते जाते हैं। और ये स्टेशन दुनिया में सबसे ज्यादा व्यस्त स्टेशन के रूप में मनाया गया है। अब मैं स्टेशन के अंदर जाने के लिए प्रवेश करने जा रहा हूँ। और ये है टोक्यो स्टेशन का अंदरी नजारा। मगर टोक्यो स्टेशन इतना बड़ा है तो ये सिर्फ इसका छोटा सा एकदम छोटा सा एक हिस्सा है। और ये है टिकट मशीन जिससे हम लोग टिकट खरीदते हैं। अब मैं टिकट खरीदने जा रहा हूँ। और यहाँ टिकट तो मशीन से मिलता है, मशीन से आता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ टिकट हम लोग कैसे निकालते हैं, खरीदते हैं, ठीक है? बहुत अच्छा हुआ आज ज्यादा भीड़ नहीं है। ओके, मैंने टिकट ले लिया है और इस बोर्ड पर हर ट्रेन की जानकारी दी जाती है। आइए दोस्तों अंदर चलते हैं। सॉरी, कैमरा जरा शेकी है। स्टेशन के अंदर आ गया हूँ। और टोक्यो स्टेशन पर जरूर शिंकानसेन भी आती है। शिंकानसेन इंग्लिश में बुलेट ट्रेन कहलाता है। ऐसी ट्रेन है जो बहुत फास्ट चलती है। और जापान अब इंडिया के लिए ये बना रहा है। शिंकानसेन का टेक्नोलॉजी अब इंडिया को देने वाला है। कुछ साल बाद ये इंडिया में भी आ जाएगा। स्टेशन के अंदर भी सुपरमार्केट होता है। बहुत सारी दुकान है स्टेशन के अंदर। आइए प्लेटफॉर्म चलते हैं। 10वां प्लेटफॉर्म पर मेरी ट्रेन आने वाली है। 4 बज गए। ट्रेन लेट नहीं होती, उसको आने में देर नहीं होती है कभी। मेरी ट्रेन 7 मिनट में पहुंचने वाली है। और ये है वेंडिंग मशीन जिससे आप पीने के लिए कुछ खरीद सकते हैं। बहुत सारे वेंडिंग मशीन्स होते हैं। आइए दोस्तों खरीदने का तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वेंडिंग मशीन जापान में कहीं भी है। इस पर लिखा हुआ है कि अगर आपका कुछ सामान गिर गया तो भी नीचे कभी मत उतरिएगा, उसके बदले में हमें बुला दीजिए, हम लोग आपका गिरा हुआ सामान उठाकर वापस देंगे। ट्रेन आ रही है मेरे पीछे से, देखिए। और जापान में ट्रेन काफी लंबी होती है, कम से कम 15-20 डब्बे नहीं 10-15 डब्बे तो होते हैं एक ट्रेन में, एक लाइन में। और मुझे इसमें बैठना नहीं है, दूसरी ट्रेन आ रही है उधर, मगर आपको दिखाने के लिए ऐसा वीडियो बना रहा हूँ। सर मेरी ट्रेन आ रही है इस ओर से, आ गई मेरी ट्रेन। इसमें 15 डिब्बे हैं तो ट्रेन के अंदर चले। Please change here or the yellow line.
मेरा स्टेशन आ गया योकोहामा। मेरा स्टेशन आ गया है, मैं ट्रेन से बाहर आ गया हूँ। जापान में ट्रेन ऐसी होती है। और ये लोग नीचे जा रहे हैं, इस स्टेशन से बाहर जा रहा हूँ। और जापान की ट्रेन में भी भीड़ तो होती है, मगर कुछ कुछ लाइंस में विशेष समय के अंदर होती है, रोज या हमेशा नहीं होती है। आइए दोस्तों, स्टेशन से बाहर जाएंगे। मेरे शहर में आपका हार्दिक स्वागत। यह है मेरे शहर योकोहामा मिनातोमिराई का नजारा। Okay guys, thank you for watching my video. If you liked my Hindi and work, please do not forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. ठीक है यार, subscribe तो कर लेना please। चलो see you next time guys, sayonara, sayonara, sayonara।